हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद फारा। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। एक से लेके सात तक सेंटेंसेस है, इंग्लिश सेंटेंसेस है जो कि रोज काम आते हैं, डेली यूज में बहुत ही काम आते हैं। तो गाइस, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। शेयर तो बहुत जरूर से ही कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है गेट नर्वस। गेट नर्वस इसका मतलब होता है घबरा जाना। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ घबरा जाना। गेट नर्वस इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं हम लोग, तो हम लोग अक्सर घबरा जाते हैं कि क्या पूछेंगे, क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन आंसर दे पाएंगे कि नहीं, जॉब लग जाएगी कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, हम लोग नर्वस हो जाते हैं। गेट नर्वस, घबरा जाना। नंबर टू है टर्न अ ब्लाइंड आई टू समबडी, यानी कि किसी को देख के अनदेखा कर देना। किसी को देख के अनदेखा, टर्न अ ब्लाइंड आई टू समबडी। समबडी यानी कि कोई या फिर किसी को। टर्न अ ब्लाइंड आई यानी कि देख के भी अनदेखा कर देना। टर्न अ ब्लाइंड आई टू समबडी यानी कि अनदेखा कर देना। ये मैं यहां लिख दे रही हूं अनदेखा करना। अनदेखा करना। तीसरा है एम्बैरस समबडी। एम्बैरस समबडी यानी कि किसी को शर्मिंदा कर देना, और किसी को ऐसी बात कह देना कि वो शर्मिंदा हो जाए, शर्मसार हो जाए। मान लीजिए कि आप कमेंट कर दिए उसके ड्रेस पे कि कैसा कपड़ा पहना है, या फिर घर अच्छा नहीं है, या फिर कैसे लोग हैं तुम्हारी फैमिली में, तो वो एम्बैरस हो जाता है, लोगों के सामने फील करते हैं। तो एम्बैरस समबडी यानी कि किसी को शर्मिंदा कर देना। इसकी भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हिंदी शर्मिंदा। शर्मिंदा कर देना। नंबर फोर्थ है पैनिक हो जाना। पैनिक हो जाना कि छोटी छोटी बातों में बिल्कुल हड़बड़ा जाना कि कैसे करें, क्या करें। मान लीजिए घर पे पार्टी होनी है या फिर शादी है, तो उसमें पैनिक हो जाते हैं कि क्या क्या करना है क्या नहीं है। फिर कोई न्यूज सुनने में भी हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, कैसे हो गया। तो पैनिक यानी कि हड़बड़ा जाना, जल्दी जल्दी में हर चीज करना, हड़बड़ा जाना, पैनिक हो जाना, हड़बड़ा जाना। डिग अप द डेड इश्यूज। नंबर फिफ्थ है डिग अप द डेड इश्यूज। डिग अप यानी कि खोदना, उसको खोदना। डेड इश्यूज यानी कि जो पुरानी बातें जो हो चुकी है उनको फिर से कुरेदना। तो डिग अप द डेड इश्यूज होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। ये तो मुहावरा भी है, बहुत फेमस, और ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ये सब। तो ये हो गया गड़े मुर्दे उखाड़ना। Dig up the dead issues. Dig up यानी कि खोदना, और dead issues जो बातें जो दब चुकी हैं, फिर बातें जो खत्म हो चुकी है उनको फिर से कुरेदना उन सब बातों को। तो हम लोग बोलते रहे कि लाइफ डेली लाइफ में कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, यानी कि why are you digging up the dead issues? Dig up the dead issues. Regret. Regret होता है पछताने को बोलते हैं, पछताना। रिग्रेट होता है पछताना। रिग्रेट यानी कि पछताना। लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिनका हम लोग को पछतावा हमेशा रहता है, हमेशा पूरी लाइफ लॉन्ग रहता है कि काश मैं ऐसा ना करती तो ऐसा ना होता, काश मैं उसका दिल ना दुखाती, तो इस तरह का पछतावा होता है, तो उसको बोलते हैं रिग्रेट। RegRet रिग्रेट। नंबर सेवन है लेंड मनी टू समबडी। लेंड यानी कि उधार देना, उधार देना, उधार देना। लेंड मनी पैसे टू समबडी, किसी को पैसे उधार देना। लेंड समबडी, लेंड मनी टू समबडी, किसी को पैसे उधार देना। और यहाँ पे बोरो होता है। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। BORROW बोरो का मतलब होता है उधार लेना। उधार लेना यानी कि बोरो करना, और लेंड करना यानी कि उधार देना। लेंड मनी टू समबडी, किसी को पैसे उधार देना। बोरो मनी टू समबडी यानी कि किसी से, बोरो मनी फ्रॉम समबडी यानी कि किसी से पैसे उधार लेना।
तो गाइज मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ये सब सेंटेंसेस. गेट नर्वस यानी कि घबरा जाना, इंटरव्यूज वगैरह में हम लोग अक्सर घबरा जाते हैं. टर्न अ ब्लाइंड आई टू समबडी, किसी को देख के अनदेखा कर देना. और ऐसे ही एक और सेंटेंस बनेगा, टर्न अ ब्लाइंड ईयर टू समबडी. ये आप टर्न अ ब्लाइंड ईयर टू समबडी यानी कि किसी जो बोल रहा है आप अनसुना कर दीजिए. एक बात से सुनते हैं दूसरे का, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से अनसुना कर निकाल देते हैं वो बात, तो उसको बोलते हैं अनसुना कर देना. टर्न अ ब्लाइंड ईयर टू समबडी, वहां पे आई की जगह ईयर हो जाएगा. और टर्न अ ब्लाइंड आई टू समबडी यानी कि अनदेखा कर देना, और ईयर अगर लग जाएगा तो अनसुना कर देना. एम्बेरस समबडी यानी कि किसी को शर्मिंदा कर देना. एम्बेरस समबडी किसी को शर्मिंदा कर देना, कोई पर्सनल बात बोल के किसी को शर्मिंदा कर देना. अब ये डिग सॉरी पैनिक, हड़बड़ा जाना. पैनिक यानी कि हड़बड़ा जाना. डिग अप द डेड इश्यूज, गड़े मुर्दे उखाड़ना. पुरानी बातें जो बीत गई उनको कुरेदना. रिग्रेट यानी कि पछताना, रिग्रेट होता है पछतावे को बोलते हैं. लेंड मनी टू समबडी यानी कि उधार देना, पैसे उधार देना किसी को. और बोरो मनी फ्रॉम समबडी, बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, उधार लेना. एंड लेंड का मतलब होता है उधार देना. तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगे आप प्लीज बताइएगा, और आप शेयर कीजिएगा. व्यूज आएंगे तो मैं और भी बनाऊंगी, वरना फिर मैं सोच रही हूँ कि स्लाइड से ही कंटिन्यू करूँ. तो गाइज आप प्लीज मेरा वीडियो देखिए और शेयर कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.